एक बार असी पांच छे सत्संगी हजूर दे कमरे विच बैठे सा। हजूर अजे तशरीफ नहीं लिया सन। रावल पिंडी वाले वकील श्री धनराज जो अजकल दिल्ली रहिंदे ने दे पिता लाला मायादास जी भी साडे नाल सन। वो बहुत देर हजूर दे नाल इकट्ठे नौकरी करदे रहे सन। असी उन्हां नूं बड़ा जोर दिता है कि वह हजूर पासों ये सवाल पूछण कि जद हजूर आए तो लाला जी ने उन्हां पासों पूछ ही लिया, हजूर तुसी इन्ना भजन क्यों करते हो, हजूर नूं भजन करन दी की लोड़ है। गुरुदेव हमारे पहला तो हजूर ने टालन की कोशिश की, पर फिर फरमाया भजन सबनों ही करना पैंदा है, भजन ना करिए तो होर की करिए। पर लाला मायादास जी भी पिछा छड़न वाले नहीं सन। बोले बाबा जी महाराज ने हजूर नूं नाम देण वेले ही रूहानी दौलत नाल भरपूर कर दिता सी अते फरमाया सी, इह तुहाडी अमानत मेरे कोल है जो तुहाडे हवाले कर दिती है। अंतम दिनां दे विच तां उन्हां ने यही फरमाया सी, जो मेरे मगरों काम करेगा मेरे नालों चौगणा तप तेज लैके आवेगा। तुम साहिब करतार हो हम बंदे तेरे, फिर तुसी भजन करन दा कष्ट क्यों करते हो। बाबा नवाजुद्दीन जी मुल्तान वाले भी उस वेले कोल सन। उन्होंने बाबा जैमल सिंह जी महाराज पासों नामदान लिया होया सी ते बड़े पुराने ते कमाई वाले महात्मा सन। हजूर महाराज जी उन्हों का बड़ा आदर करते सन। लाला मायादास जी का भी सवाल सुन के बाबा नवाजुद्दीन जी भी बोल पाए, बाबू जी ये सारा भजन सिमरन साढ़े तुहाडे वास्ते किया जाता है, संत आप अभ्यास करके मिसाल बन के जीवन सिखाते हैं अते मालिक नाल प्यार किस तरह करना चाहिदा है। जे वो आप करके सानू ना सिखाउन तां असीं सिख नहीं सकते। प्यासी अखियां गुरु दर्शन की। हजूर ने हस के फरमाया करके विखाउन ते भी कोई विरला ही करता है। तां बाबा नवाजुद्दीन ने कहा इसलिए उन्हां वास्ते हजूर नूं करना पैंदा है। हजूर हमेशा भजन सिमरन उत्ते जोर दिंदे सन। आप भी नेम नाल भजन करदे ते संगत नूं भी भजन करन दी प्रेरणा दिंदे। सन 1920 विच करपूथला रियासत विच जद मैनूं इक चंगे अहुदे वाली नौकरी मिल गई तां मैं हजूर नूं पत्र लिखिया ते उन्हां दी दया मेहर लई धन्नवाद कीता। उत्तर विच हजूर ने लिखिया मेरे प्यारे बाबू दरियाई लाल जी, राधा स्वामी हजूर सतगुर महाराज जी दया मेहर पहुंची, तुहाडा प्रेम पत्र मिलिया पढ़ के खुशी हुई कि तुहानू आराम की नौकरी मिल गई है। जे मालिक ने आराम बख्शिया है तो तुहानू चाहिदा है कि हुण भजन करो, क्योंकि भजन तो बिना जीवन का कोई ठिकाना नहीं। साहेब मैं गुलाम हूं तेरा। आदमी संसारी कमां वास्ते तो मेहनत भी करता है, कोशिश भी करता है ते ख्याल भी करता है, पर जब भजन का वेला आता है तो मैनू चिट्ठियां लिखिया जांदियां ने कि मेरे कोलों भजन करवाओ, नहीं इंज नहीं चाहिए, ये गुरमुखता नहीं है, चाहिए है जिमें असी होर कमां विच आलस नहीं करते उसी तरह भजन विच भी आलस ना किया जाए। कितना अफसोस है कि भजन जो साढ़े सब तो वड्डा ते असली काम है उहदी बिल्कुल परवाह नहीं करते, जिमें असी होरां कमां वास्ते मालक के चरणों में अरदास करते हाँ ताँ कि वह पूरे हों, उसे तरह भजन वास्ते बिल्कुल अरदास नहीं करते। मेहरबान है साहेब मेरा,
इसका कारण यह है कि असी दुनिया नू ही सच्चा समझा होया है ते परमार्थ नू केवल एक दिल लगी ही समझदे हां। जिवें तुसी होर कम हिम्मत ते हठ नाल करदे हो, भजन भी नेम ते प्रेम नाल करदे हो, अज तो तुहाडे वास्ते जरूरी है। भजन वास्ते वक्त मुकर करो, वक्त की पाबंदी दे बिना भजन नहीं हो सकता है। जे नेम पूरा ना होवे तां रोटी भी हजम नहीं होंदी। मन इसे तरह काबू आता है, ये मन में वस करन दा नुस्खा है जो तुहानू लिखा जाता है। बरकरदार इहदे उत्ते अमल करो ते अमल करदिया रहना चाहिए है। जागदे रहो, इसका ख्याल रखो। संगत सारी वालों अराधा स्वामी, डेरा बाबा जयमल सिंह, सावन सिंह जी, 31/11/1920। गुरुदेव हमारे।